और चलिए रुक करेंगे पंजाब की खबरों की ओर। पंजाब सरकार की तरफ से 1984 दंगा पीड़ितों के 160 परिवारों के लाल कार्ड रद्द करने का मामला सामने आया है, जिसमें कि पीड़ित परिवारों की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह गुहार लगाई गई है कि अगर दोबारा से इस मामले को नहीं सुलझाया गया तो फिर उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। 1984 के दंगा पीड़ितों की पहचान और लाभार्थियों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से लाल कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें कि सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा या फिर दंगा पीड़ितों को मुआवजा राशि इत्यादि सुविधाएं दी जाती हैं। साथ ही लाल कार्ड धारकों को दंगा पीड़ितों की श्रेणी में माना जाता है और वहीं उनकी एक पहचान के रूप में देखा जाता है। लेकिन पंजाब सरकार की तरफ से लाल कार्ड को रिव्यू करते हुए करीबन 160 लाल कार्डों को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद अब पीड़ित परिवारों की ओर से मुख्यमंत्री पंजाब को पत्र लिखकर बताया गया कि वो इस फैसले का रिव्यू करें, अन्यथा उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। 160 कार्ड जेड़ा उन्होंने कैंसल कर देता सरकार ने, और कैंसल करके ओदे सानू नोटिस लोकां नू काट देते भाई जो तुहानू सहूलत मिली है 2 लाख की वह भी वापस की जाए, तो जेड़ा तुहानू कोई मकान मिले या कोई बूथ मिलया है वह भी वापस किया जाए, और वो तो बाद जेड़ा है धोखे तड़ी का परचा भी किया जाएगा। मैं कैप्टन साहब नू अपील करना चाहती हाँ कि कैप्टन साहब सरकार की पॉलिसी में जड़े है कार्ड बने है, अगर सरकार दियाँ पॉलिसियाँ किसी काम दियाँ नहीं है फिर सरकार पॉलिसियां बनानियां बंद कर दे। साडे जिहड़े रैड कार्ड कैंसल होए ये तुरंत 1 महीने के बहाल नहीं किए जाते, जिहड़ियां इनक्वायरियां हो रही तुरंत बंद नहीं कीतियां जानियां। 1 महीने के बाद असी पूरे पंजाब की अपनी सोसाइटी की जिहड़ी मीटिंग हैगी है बुला के उस तो बाद जिहड़ा हैगा असी अगला प्रोग्राम जिहड़ा कैप्टन अरमिंदर सिंह जी की कोठी के अगे आत्मदाह का उलीकांगे, तो सोनिया गांधी की कोठी के अगे भी आत्मदाह का प्रोग्राम उलीकांगे। दंगा पीड़ित परिवारों का कहना है कि जिस तरह से उनको दिल्ली से एक तरह से उजाड़ दिया गया तो उसके बाद में उन्होंने अपनी नई जिंदगी पंजाब में आकर शुरू की थी। सरकार ने समय समय पर नीतियां बनाने की बात कही, मुआवजा राशि देने की बात कही, इसके बाद में एक लाल कार्ड ही उसकी ऐसी पहचान है जिससे वो दंगा पीड़ित के तौर पर अगर सरकार उनको किसी तरह की सहायता देती है तो उसके हकदार माने जाते हैं। लेकिन सरकार अगर उनको इस श्रेणी से बाहर करेगी तो आज भी वो इतने काबिल नहीं है कि वो खुद से अपना जीवन व्यतीत कर सके। 84 के दंगों का दर्द और अब सरकार के इस कदम से दंगा पीड़ित 160 लोगों का जख्म जैसे हरा हो गया हो, क्योंकि दंगों में अपनी जड़ जमीन और सब कुछ खो देने वाले परिवारों के पास अब सरकार सबसे बड़ा सहारा है। फिलहाल पीड़ित सरकार से फैसले पर रिव्यू की मांग कर रहे हैं और सरकार की तरफ आस लगाकर देख रहे हैं। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए सुमित जोशी की रिपोर्ट। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।